सोचो, अगर हम सचमुच प्रीति को धक्का दे सकते और उसकी पोजीशन चेंज कर सकते तो हम उसे कहाँ करते। अगर हमारा एम होता कि अपनी पृथ्वी के लिए बेस्ट वेदर कंडीशंस यूज करनी हो, मतलब सूरज से कितनी दूर, कितनी पास, किस एंगल पे, कितना सोचना पड़ता। सोचते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि अगर हमें पृथ्वी की वेदर कंडीशंस चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा। मौसम को बदलेंगे तो तब ना, जब हम समझें कि मौसम बनता कैसे है, क्यों कभी गर्मी होती है और कभी ठंड, कभी झुलसाने वाली लू चलती है तो कभी भिगाने वाली बारिश, कभी घुटन होती है तो कभी तूफान आता है और कभी पिकनिक का सुहाना मौसम। सोचो तो मौसम बना है तापमान, दबाव, नमी, बादल, हवा की गति और हवा की दिशा जैसे अनेक फैक्टर्स से। ये मौसम है कि मुंबई की पाव भाजी, 10 तरीके की सब्जियां और मसाले जब तक ना हो तब तक बनेगी ही नहीं। सच में दीपिका, मौसम तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पर अगर हम लोग हिल स्टेशन में रहते तो ना होती गर्मी और ना आता ख्याल मौसम बदलने का। वाह दीपिका, क्या बात की है, हिल स्टेशन, ठंड, भुट्टे। ये देखो, ये क्या, तुम अपने लिए एक माउंटेन बना रही हो जिसपे चढ़कर तुम गर्मी से बच सको। ये है हमारी माउंटेन, तुमने सही समझा। और ये है हमारा सूरज और ये समतल जमीन। तो बताओ कि इसमें से सबसे पास सूरज के कौन है। ये समझाने के लिए तुमने ये सब किया, ये तो तुम्हें कोई बच्चा भी बता देगा, ऑब्वियसली पहाड़। तो ठीक है पहाड़, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये सबसे ज्यादा पास है तो यहाँ सबसे ज्यादा धूप होनी चाहिए। हाँ दीपिका। और अगर धूप होगी तो गर्मी भी। हाँ, पर हिल स्टेशन में तो ऐसा नहीं होता है। हाँ दीपिका, ये बात कह के तो तुमने मुझे चक्कर में डाल दिया, तुम्हें इसका जवाब पता है ना। मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा। तो चलो केटू के पास। केटू, आज हम मौसम के बारे में बात कर रहे थे। भाई बात क्या कर रहे थे, हम तो हिल स्टेशन की ठंडक को याद कर रहे थे। पर तभी ख्याल आया कि हीट सोर्स के पास गर्मी ज्यादा होती है और जैसे जैसे ही दूर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। करेक्ट करेक्ट, मतलब तुम ये पूछना चाह रही हो कि हिल स्टेशन ऊंचाई पर होते हैं, मतलब कि सूरज के पास, इसलिए वहाँ पर सर्दी की जगह गर्मी पड़नी चाहिए। You're great. आपको कैसे पता चला हम क्या पूछ रहे हैं। अरे भाई केटू हूँ, लेकिन जवाब तभी दूंगी, पहले शॉल दो वहाँ से। शॉल? केटू, इतनी गर्मी और शॉल, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, कुछ समझे। अरे पृथ्वी ने ओढ़ी है शॉल, मतलब क्या, सोचो। पृथ्वी की शॉल मतलब हमारा 1600 किलोमीटर गहरा वातावरण, गैसों की एक चादर। मौसम की खिचड़ी पकती है ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर पृथ्वी के सबसे पास और वातावरण की सबसे घनी परत है। लेकिन मौसम की कहानी का हीरो तो है सूरज। उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा, वो अपनी सतह के हर वर्ग इंच से 40,000 वॉट प्रकाश देता है। इतना विशाल है कि उसमें 10 लाख से ज्यादा पृथ्वियां समा जाएं। पर सूरज हमसे कोई 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी और बीच में वैक्यूम, अंतरिक्ष का खालीपन। ऐसे में सूरज की ऊर्जा सिर्फ एक तरीके से हम तक पहुंच सकती है, विकिरण या रेडिएशन से, क्योंकि वैक्यूम में ना तो कंडक्शन संभव है और ना कन्वेक्शन। अब जब सूरज की रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर से होती हुई निकलती है तो एटमॉस्फेयर खुद गर्म नहीं होता, ये रेडिएशन आकर धरती की सतह से टकराती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ एब्जॉर्ब होकर जमीन की सतह को गर्म कर देती है। नदियाँ, तालाब, समुन्दर, जमीन सब गर्म होता है और फिर धीरे धीरे इस गर्मी को छोड़ता है। सतह के पास की हवा गर्म होती है और धीरे धीरे पूरा वातावरण भी गर्म हो जाता है। तो बात साफ है, जितनी ज्यादा ऊंचाई उतनी ज्यादा पृथ्वी की सतह से दूरी, उतनी कम गर्मी
उतना कम दबाव। एक मजेदार फैक्ट, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ठंडक बढ़ती है। हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे कहते हैं लैप्स रेट। वो क्या कहते हैं ना, उल्टे हाथ से नाक पकड़ना। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी सूरज से गर्मी लेती है। पहले ये बताइए कि अगर ये एटमॉस्फेयर होता ही ना तो क्या? अरे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो बहुत बहुत गर्मी होती, क्योंकि सन की रेस सीधा पृथ्वी पर पड़ती, हमारा तो भुरता ही बन जाता। भुरता बनता या कुल्फी, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता? ऐसा होता। वातावरण में है 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। कुल मिलाकर एक ऐसा परफेक्ट मिश्रण जो पृथ्वी को एक ऐसा तापमान दे कि उस पर जीवन संभव हो। वातावरण के बिना हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी होती और मौसम नहीं होते। और तो और, सूरज से निकलती एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और दूसरी हानिकारक रेडिएशन पृथ्वी पर बरसती रहती। वातावरण ही तो हमें इससे सुरक्षित रखता है। अगर हमारी पृथ्वी टेढ़ी ना होकर सीधी होती तो क्या होता? सोचिए सोचिए। पृथ्वी का झुकाव, उसके कारण ही तो सूरज की किरणें अलग अलग एंगल यानी कोण और अलग अलग मात्रा पर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर पड़ती हैं। उसके तापमान में अंतर रहता है जिसकी वजह से हवाएं बहती हैं और मौसम बदलते हैं। क्या आपको पता है मार्स का वातावरण कितना पतला है और साथ में कड़कड़ाती ठंड, और वीनस वहाँ तो वातावरण बहुत गहरा और दबाव तो अर्थ से 90 टाइम ज्यादा, गर्मी इतनी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। भाई शुक्रिया हम अर्थ पर रहते हैं, यहाँ सही प्रेशर, सही एटमॉस्फेयर और सही टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मौसम से क्या रिश्ता है क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं आप जान जाएंगे। भाई बाल्टी, पानी और बलून्स तो सभी के घर पे होंगे। पानी और वातावरण, दोनों में गड्ढा नहीं किया जा सकता। पानी जैसे ही हवा भी चलती रहती है ऊंचे दबाव से कम दबाव की ओर, हमेशा एक बैलेंस ढूंढती है। गुब्बारे में हवा भरो तो अंदर का दबाव आसपास की तुलना में ज्यादा है, इसीलिए हमेशा हवा गुब्बारे के अंदर से गुब्बारे के बाहर मतलब ऊंचे दबाव से कम दबाव की ओर ही बढ़ती है। और ये बात हमेशा याद रखें। चलिए हम खेल खेल में बनाएं कुछ मजेदार, एक ऐसा यंत्र जो हमें हवा की गति का अंदाजा दे। एनेमोमीटर बनाने के लिए ये थोड़ी सी साधारण चीजें ही चाहिए। अब इन चारों ग्लासेस को एक एक करके प्लेट के सिरे पर चिपका देंगे, बराबर की दूरी और सभी का मुंह एक ही तरफ से खुला। अब बिल्कुल बीचों बीच एक पिन की मदद से इस तरह लगा देते हैं पेंसिल। एक सिरे पर रबर वाली पेंसिल अच्छी रहती है। और अब देखिए हवा के साथ कैसे मजे में घूम रहा है हमारा एनेमोमीटर। पहेली पूछते हैं। शिवम ने जयपुर में अपने बाल थोड़े थोड़े ट्रिम कराए और फिर वो तुरंत मुंबई आ गया, लेकिन वो हैरान रह गया कि उसके बाल उतने के उतने ही। भाई ये भी एक साइंटिफिक पहेली है और इसका जवाब छुपा है मौसम में। नहीं समझे तो ये देखिए, हवा में नमी ज्यादा हो तो हमारे बालों का क्यूटिकल उसे सोख कर फूल जाता है, उनकी लंबाई भी बढ़ जाती है। मजेदार बात चौंकाने वाली है, सूखी हवा नम हवा से अधिक घनी होती है। पूछना चाहिए। पृथ्वी की जगह बदलने से आज हमने बात शुरू की थी और पहुंच गए मौसम की साइंस पर। मुझे तो ये भी समझ में आ गया कि कितने साइंटिफिकली हमारी पृथ्वी मौसम बदलती है। बिल्कुल, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंडी, ये सब एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। मदर नेचर सबसे बड़ी साइंटिस्ट है।